हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज की क्लास एक इंटरेस्टिंग क्लास है। आप सीखेंगे कैपिटल गेन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। व्हाट इज दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट? दिस हैज गेन्ड लॉट ऑफ मोमेंटम इन रिसेंट टाइम। वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज। क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन, इन्हें हम कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। पता है, दो साल पहले जब गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया टू टैक्स दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो पता है लोगों को क्या लगा? ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, एनएफटीज हैं, ये सब कुछ लीगल हो गया है। बट मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स में किसी भी इनकम पे टैक्स लगाना, ये बात को जस्टिफाई नहीं करता कि ये इनकम लीगल है। आपने जब पीजीबीपी स्टार्ट किया था, तभी आपको यह बात बताया गया था कि इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ अ बिजनेस। अगर आप इलीगल सोर्सेज से भी इनकम कमाते हो, आपके पास इनकम आती है किडनैपिंग से, एक्सटॉर्शन मनी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तो भी ये क्या है? टैक्सेबल है, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना के वर्चुअल डिजिटल एसेट को क्या किया जा रहा है? टैक्सेबल बनाया जा रहा है इनकम टैक्स में। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि इसको लीगल बना दिया गया है इंडिया में। ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। आइए अब सीखते हैं कि इसका टैक्सेशन कैसे होता है। तो कैपिटल गेन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट सेक्शन 115 BBH एज पर सेक्शन 247A वर्चुअल डिजिटल एसेट मीन्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है? ए, any information or code or number or token not being Indian currency or foreign currency, that has not to be Indian currency or foreign currency, that has not to be Indian rupee or that has not to be dollar, pound, ठीक है, generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value exchanged with or without consideration, with the promise or representation of having inherent value or functions as a store of value or a unit of account including its use in any financial transaction or investment but not limited to investment scheme and can be transferred, stored or traded electronically. What it is talking about? It is talking about cryptocurrency. I hope you know some of the cryptocurrencies. Bitcoin, okay, the father of all the cryptocurrencies, and is very famous. Bitcoin, Ethereum, Binance, डोगी क्वाइन, ठीक है, पॉलीगन, तो दीज आर ऑल इट्स टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। देन नेक्स्ट बी कम्स स्पेसिफाइड नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटीज और एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनएफटीज? एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन। आपने देखा होगा बहुत सारी एनएफटीज बिक रही हैं, बहुत सारे डिजिटल आर्ट बिक रहे हैं, दैट इज एनएफटीज, ठीक है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझिए, अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया, ठीक है, क्या आप वो ट्वीट खरीदना पसंद करेंगे? थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है कि वो ट्वीट क्यों खरीद लेंगे भाई, क्या करेंगे हम वो ट्वीट? बहुत बड़ा अच्छा सा ट्वीट है, बड़े लाइक्स आ रहे हैं उस पर। विल यू लाइक टू बाय दैट ट्वीट ऑफ अमिताभ बच्चन? वो आपका एसेट हो जाएगा। आपको थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी आप डिजिटल को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझाता हूं इस बात को दूसरी तरीके से। अगर अमिताभ बच्चन जी एक सुंदर सी चिट्ठी लिख के आपको दें, तो क्या आप वो खरीदना पसंद करेंगे? आप कहेंगे हाँ, एक लेटर अगर अमिताभ बच्चन का मिल जाए मुझे, तो मैं खरीदना पसंद कर लूंगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है मार्केट में। अब लोग डिजिटल चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि इसकी कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी, क्या किया जाएगा? एक्चुअल में जब भी कोई सी भी चीज की नई एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, तो एक बार कीमत निर्धारित हो जाती है, वही चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कई सौ साल पहले गोल्ड और सिल्वर की क्या हुई होगी? वैल्यू निर्धारित की गई होगी, ठीक है। आज अगर हम गोल्ड की बात करें तो वो 65 लाख रुपए किलो है, ठीक है। सिल्वर की बात करें तो 65,000 रुपए किलो है, तो 100 टाइम्स का अंतर है। एक सफेद चमकने वाली चीज और एक पीली चमकने वाली चीज में 100 गुने का अंतर है। मतलब एक आइटम 1 रुपए का है तो दूसरा 100 रुपए का ही है उतना।
क्या आपको नहीं लगता कि जिस समय कभी एक बार निर्धारित जब कीमत की गई होगी तो लोगों को यह डिस्टर्बेंस हो रहा होगा इस वैल्यू को समझने में, कि मतलब जब जब एक बार समझिए जब स्टार्ट हुआ होगा गोल्ड और सिल्वर नाम की चीज शुरू हुई होगी दुनिया में, तो जब लोगों को बताया जा रहा होगा ये एक ग्राम एक रुपए का है तो ये एक ग्राम 100 रुपए का है, थोड़ा सा एडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी, हाँ आ रही होगी, लेकिन आज लोग एडजस्ट हो चुके हैं और अब कोई ऐसे नहीं सोचता यार सिल्वर के अगर सफेद चमकने वाली चीज के कंपैरिजन में पीली चमकने वाली चीज 100 गुना महंगी है, अब ऐसा नहीं लगता, अब लगता है हाँ ऐसा है, दिस इज व्हाट इट इज। तो पहले क्या होता था, पीपल यूज टू बाई फिजिकल पेंटिंग्स, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग डिजिटल पेंटिंग्स, डिजिटल आर्ट्स, एंड यू हैव द ओनरशिप ऑफ दैट, दैट्स नॉन फंजेबल टोकन, राइट। द सेम वे जैसे मैंने अभी आपको ट्वीट के लिए बताया। आइए अगर ये बात भी नहीं समझ में आई है तो आइए और दूसरे तरीके समझते हैं। एक NFT बनाते हैं, नया NFT बनाते हैं, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग इज प्रैक्टिकल, और ऐसा हो रहा है। डिनर विथ राज सर, राज सर के साथ एक डिनर करने की कीमत निर्धारित की जाती है मान लीजिए 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 ज्यादा हो जाएगा ना, डिनर विथ राज सर, चलिए नहीं 5-स्टार होटल में ये कराया जाएगा डिनर विथ राज सर 5,000 रुपया। कितने बच्चे तैयार हैं भाई डिनर विथ राज सर 5,000 रुपीज? तो 5,000 रुपए में मान लीजिए अब एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, वो NFT क्रिएट करेगा, उसने 5,000 रुपए डिनर विथ राज सर क्रिएट कर लिया एक NFT, और मुझे डिनर के लिए रेडी कर लिया, 5,000 रुपए पे कर दिया, राइट। अब लग रहा है कि मार्केट में 5,000 रुपए में डिनर विथ राज सर खरीदने वाले कम इन्वेस्टर्स मिलेंगे, ठीक है, आप चाहते तो हो डिनर विथ राज सर, ठीक है, 5,000 रुपए की कीमत भी आपके लिए ठीक है, बट यू डू नॉट हैव 5,000 रुपीज टू पे, आपके पास 5,000 रुपया नहीं, आपके हिसाब से कीमत भी सही है मान लेते हैं, ठीक है, आप कह रहे हो कि कीमत भी सही है इसकी, हम तैयार भी हैं, लेकिन 5,000 रुपए ही नहीं है, तो आपसे कहा गया वुड यू लाइक टू टेक 1/5 डिनर विथ राज सर फॉर रुपीज 1,000, आपसे क्या बोला गया, डिनर विथ राज सर की कीमत कितनी रखी गई 5,000, किसी ने मुझे 5,000 रुपया दे के एक इसकी ये एक अथॉरिटी ले ली, मुझसे ले लिया कि एक डिनर विथ राज सर वो जब कहेगा जिसके साथ कहेगा मैं कर लूंगा, 5,000 रुपया किसी ने मुझे पे कर दिया ऑलरेडी। अब ये NFT क्रिएट करेगा, कैसे करेगा, कहेगा 1/5, मान लीजिए 1/10 करके या तो बेच देगा, 1/10 कर दिया जाएगा इसका, यानी इस डिनर विथ राज सर की 10 यूनिट बना दी जाएगी, ठीक है, और ये 500 रुपए में लिस्ट कर देगा, 10 यूनिट बना के लिस्ट कर देगा 500 रुपए में, ठीक है। अब आज से 5 साल बाद राज सर बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है, राज सर इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, GST पढ़ाते हैं, और 5 साल बाद राज सर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं देश के, राइट। अब बताइए राज सर के साथ डिनर की कीमत कितनी है, अब तो डिनर विथ राज सर की कीमत तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो गई पता है, अब डिनर विथ राज सर की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 5,00,000 रुपए, क्योंकि अब राज सर नहीं है, अब तो फाइनेंस मिनिस्टर है देश के, 5,00,000 रुपए हो जाती है। तो जो 10 यूनिट थी, एक यूनिट की कीमत अब कितनी हो जाती है, अब इसकी 10 यूनिट थी ना, तो अब इसकी एक यूनिट की कीमत कितनी हो जाती है, इस एक यूनिट की मार्केट प्राइस अब हो जाएगी ₹5,000। तो आप सब अगर मेरा डिनर कि एक यूनिट 500 रुपए में खरीदे हो ना, तो 5 साल बाद भाई वही आप कितने का बेचोगे, 5,000 रुपए का, 5,000 का नहीं 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 ज्यादा का, 500 की 10 यूनिट है, 50,000 रुपए का 10 यूनिट है ना, 5,00,000 रुपए डिनर विथ राज सर हो गया, तो 10 यूनिट अगर बनी है तो एक यूनिट की कीमत कितनी है 50,000 रुपए, आप 500 रुपए का आज डिनर विथ राज सर खरीद लीजिए एक यूनिट, आपको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं 5 साल बाद, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, बिकॉज somebody इज रेडी टू पे नाउ हाउ मच 5,00,000 रुपीज फॉर अ डिनर, सो द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट NFT इज हाउ मच 50,000 रुपीज। दिस इज हाउ नॉन फंजेबल टोकन्स आर बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कैसे नॉन फंजेबल टोकन बनाया जाता है, चलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो पता चला दिस इज एन अल्टीमेट स्कोप। आज दुनिया ना बहुत आगे बढ़ गई है,
ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे आज कहते हैं कि सर जो क्लास ट्वेल्थ में है अभी, ठीक है, एंड दे आर लुकिंग फॉर देयर करियर, तो वो कहते हैं सर आई हैव प्लान कि मुझे ये बनना है। दूसरा बच्चा बताता है मुझे ये बनना है। पता है मैं क्या कहता हूँ? कहता हूँ ये सब कभी मत कहो कि मुझे ये बनना है वो बनना है। एक छोटे से बच्चे को मैंने दो चॉकलेट दिए, ठीक है, डेयरी मिल्क और फाइव स्टार, और उसको खाने के बाद मैं उससे पूछता हूं कि बताओ कौन सी चॉकलेट तुम्हें पसंद है, तो वो इन दोनों में से ही तो कोई एक चॉकलेट बोलेगा, या तो बोलेगा डेयरी मिल्क पसंद है या तो बोलेगा फाइव स्टार पसंद है। क्या वो इन दोनों के अलावा कुछ बोल सकता है? नहीं, उसने खाया ही नहीं आज तक, नहीं बोल सकता। आज के समय में करियर भी आपके लिए बिल्कुल वैसे ही है। आप बहुत सारी चीजें तो जानते ही नहीं हो कि दीज आर इवन द ऑप्शन टू बिल्ड योर करियर। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं बच्चों से कि रिमेन ओपन, हमेशा बहुत विजिलेंट आईज के साथ हर चीज को देखने की और एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। यू डू नॉट नो कि वेयर यू आर गोइंग टू बी टेकन अवे, आप कहां बढ़ जाओगे आगे, ठीक है। मतलब आप तो कोई अगर मुझसे क्लास एट का बच्चा ये बोले कि मेरी करियर काउंसलिंग कर दीजिए, व्हाट आई हैव टू डू इन फ्यूचर, हम कहेंगे चार साल बाद दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है ना कि चार साल बाद न जाने कौन कौन से करियर ऑप्शन आ जाएंगे, अभी रुके रहो, अभी तुम 9th, 10th, 11th, 12th कर लो। सो क्रिप्टो करेंसी NFTs पे टैक्सेशन आया, एनी अदर नोटिफाइड डिजिटल एसेट, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई और नोटिफाइड भी कर सकती है डिजिटल एसेट को। टैक्स पॉइंट क्या है इसका? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एक्सक्लूड एनी डिजिटल एसेट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, राइट। गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी डिजिटल एसेट बोल सकती है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, और किसी को भी इस डेफिनेशन से बाहर भी निकाल सकती है। एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। गवर्नमेंट ने 30% ये हाइएस्ट टैक्स रेट बना रखा है, जहां पे भी गवर्नमेंट को लगता है ये तो फ्री फंड की इनकम आ रही है, गवर्नमेंट 30% का टैक्स लगा देती है, ठीक है। हाइएस्ट टैक्स स्लैब पे ये टैक्सेबल है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट व्हाइल कंप्यूटिंग सच इनकम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ एनी और अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस शैल नॉट बी अलाउड टू द एसएससी। समझाता हूं आपको, आधी आधी बात करके समझाता हूं। पहले इतना, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ एनी शैल नॉट बी अलाउड, पहले इतना समझिए। कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी तक आप कैपिटल गेन कैसे निकालते थे? देखिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए बिल्कुल अलग निकालेंगे, आप लिखेंगे सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड दिस इज योर कैपिटल गेन। अभी तक क्या करते थे आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते थे। देखिए, सिक्योरिटीज में तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वैसे भी नहीं होता, शेयर्स वगैरह में तो होता नहीं है, तो बिल्कुल वर्चुअल डिजिटल एसेट भी तो वैसे ही है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो होगा भी नहीं। लेकिन एक्सपेंसिंग कनेक्शन भी ट्रांसफर हो सकता है, हाँ, लेकिन वो आपको घटाने नहीं मिलेगा। आपको सेल कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या घटाने को मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद क्या कहता है? और अलाउंसेस और सेट ऑफ एनी लॉस, आपको कोई भी लॉस सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आपके पास दो दो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, आपके पास क्रिप्टो करेंसी दो है, एक बिटकॉइन है और दूसरा आपके पास इथेरियम है, ठीक है। बिटकॉइन की सेल कंसिडरेशन आपकी थी 5 लाख, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने घटाया 3 लाख, और ये हो गया आपका 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन। यहाँ पे सेल कंसिडरेशन थी मान लेते हैं 4 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी यहाँ पे 9 लाख, तो यहाँ पे -5 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन हुआ है। क्या मेरा कैपिटल गेन 2 लाख माइनस 5 लाख मिला के -3 लाख हो जाएगा? गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये इग्नोर हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है और ये टैक्सेबल हो जाएगा। अरे मतलब हम 4 क्रिप्टोकरेंसी लेके रखे ना, 3 में घाटा होता है कोई मतलब नहीं है, 1 में फायदा होता है उससे मतलब है सरकार को। ये देखिए कितना जबरदस्त लॉ बनाइए और इस पे 30% टैक्स लेगी गवर्नमेंट।
सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट एनी अदर इनकम, अगेंस्ट अदर इनकम कह रहा है, दूसरी इनकम से भी एडजस्ट नहीं कर सकते, दूसरी इनकम से भी इस 5 लाख को एडजस्ट नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, या तुम अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट से ही एडजस्ट नहीं करने दे रहे हो, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी की लॉस को दूसरे क्रिप्टो करेंसी की इनकम से ही एडजस्ट करने नहीं दे रहे हो, तो दूसरी इनकम से कहां करने दोगे इसको? सैलरी हाउस प्रॉपर्टी से कहां करने दोगे? तुम क्रिप्टो करेंसी की दूसरी इनकम से एडजस्ट करने नहीं दे रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है ये तो कहीं और से नहीं करने देगा। तीसरा कह रहा है लॉस फ्रॉम ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। अरे तुम इसी साल एडजस्ट नहीं करने दे रहे हो, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके क्या एडजस्ट करने दोगे? देखिए स्टेप क्या होता है किसी भी लॉस को एडजस्ट करने की, पहले वो लॉस सेम इनकम से एडजस्ट होता है, वैसी दूसरी इनकम से एडजस्ट होता है। अगर वहां से नहीं हो पाया तो दूसरे हेड से होता है, अगर वहां से भी नहीं हो पाया तो फिर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होके एडजस्ट होता है। अरे जब आप सेम इनकम वैसी दूसरी इनकम से एडजस्ट होने नहीं दे रहे हो, तो फिर दूसरे हेड से तो नहीं होने दोगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दोगे। क्लियर है बात सबको? इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल नॉट बी अलाउड, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी यहां नहीं मिलेगा, तो वेदर इट इज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड? इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होने का भी कोई डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, एज बिकॉज यहां पे टैक्स क्या रेट से है, 30%। अंडरस्टूड? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउड बट विदाउट इंडेक्सेशन, अदर एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं मिलेगा, लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए अगर आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट में लॉस हो गया है तो आपको एडजस्ट करने नहीं मिलेगा वो कहीं से भी, लॉस फ्रॉम अदर एक्टिविटीज भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। वेयर वर्चुअल डिजिटल एसेट हैज बीन हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अब जैसे शेयर्स के केस में भी दो बातें होती है ना, कि वेदर इट इज योर इन्वेंट्री और इट इज योर इन्वेस्टमेंट, यही बात होती है, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट में भी वही बात होगी कि वेदर इट इज योर इन्वेंट्री और इट इज योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहते हो कि भाई हम तो ट्रेडर हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट के, हम तो क्रिप्टो करेंसी क्या करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं बस यही काम करते हैं, ठीक है, देन इट इज योर इन्वेंट्री। एंड अगर आप खरीद के लंबे समय तक होल्ड करते हो उसको, तो दैट्स योर इन्वेस्टमेंट। सो वेयर वर्चुअल डिजिटल एसेट हैज बीन हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, द इनकम ऑन ट्रांसफर शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है तो इनकम कैपिटल गेन की होगी। एंड इफ इट इज इन्वेंट्री देन हाउएवर इफ द वीडीए हैज बीन हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस द इनकम मे बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, अगर वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो वो इनकम बिजनेस की इनकम होगी, पीजीबीपी। हाउएवर इन ईदर केस द कंप्यूटेशन शैल बी मेड एज पर एफोर्सेड प्रोविजन एंड रेट ऑफ टैक्स विल बी 30%। अब कह रहा है कि चाहे आप पीजीबीपी में दिखा रहे हो कैपिटल गेन में दिखा रहे हो, सेम प्रोविजन लगेगा, एकदम एकदम सिमिलर प्रोविजन है कि आपको सिर्फ कॉस्ट घटाने मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी घटाने के लिए नहीं मिलेगा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है, और टैक्स का रेट भी 30% होगा, तो प्रोविजन इज रिमेन्स स्टिल द सेम, आप चाहे तो आप कर ले। और अगर आप इफ इट इज इवन योर इन्वेंट्री फॉर योर, अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट की तरह कैपिटल गेन की इनकम दिखा रहे हो तो भी गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्रोविजन सेम है, टैक्स का रेट भी सेम है, टैक्स रेट इन बोथ द केसेस इज 30%, ठीक है। तो ये था टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू, विल स्टॉप हियर।